Hello my dear aspirants, I welcome all of you to our YouTube channel. So today we are going to discuss a session of phrasal verbs once again, and it will be based on stand verb. So let us talk about what are phrasal verbs basically. As we know this thing very well, phrasal verbs are basically a verb followed by a preposition. Jab ek verb ke saath preposition aata hai to aap use bolte hain phrasal verb. एंड इंटरेस्टिंग थिंग क्या है सर, वर्ब अपना मीनिंग छोड़ देता है, प्रेपोजिशन भी अपना मीनिंग छोड़ देता है, और वर्ब प्लस प्रेपोजिशन दोनों मिल करके एक अपना न्यू मीनिंग फॉर्म करते हैं, जिसे लर्न करना ज़रूरी है फॉर डेली लाइफ के लिए भी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू स्टैंड. तो स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, जैसे हम बोलते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, तो इसका मतलब स्टैंड है. तो स्टैंड की तीनों फॉर्म्स क्या क्या होती हैं? तो स्टैंड की तीनों फॉर्म्स हैं सर, स्टैंड, स्टूड, स्टूड. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज स्टैंड, सेकंड एंड थर्ड आर स्टूड. तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब क्या है? स्टैंड बाय. तो स्टैंड बाय के कितने मीनिंग्स हैं? काफ़ी सारे मीनिंग्स हैं. देर आर थ्री इंटरेस्टिंग मीनिंग्स, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन. हम इन तीनों मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, ताकि बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं. तो देखो क्या है, स्टैंड बाय का पहला मीनिंग क्या होता है? टू वेट करना, टू वेट और टू बी रेडी. मतलब आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जो चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है उस चीज़ का, और आप बिल्कुल तैयार हैं. जैसे देर इज़ नो सीट अवेलेबल इन द प्लेन सो आई नीड टू बी स्टैंड बाय, या बोले देर इज़ नो सीट अवेलेबल इन द ट्रेन, अभी ट्रेन के अंदर सीट अवेलेबल नहीं है और आपको थोड़ा वेट करना होगा, आपको तैयार रहना होगा जब तक कोई वैकेंट सीट नहीं आ जाती. स्टैंड बाय, स्टैंड बाय. जैसे कोई भी आपकी कंपनी है और कंपनी के अंदर अगर अभी वैकेंसी नहीं है और कोई पर्सन इंटरव्यू के लिए आया है, जैसे ही कोई पर्सन वैकेंसी क्रिएट करके जाएगा, तो जो पर्सन इंटरव्यू के लिए आया था वो स्टैंड बाय मोड पे था, उसको आप यूज़ कर सकते हैं. तो स्टैंड बाय का मतलब होता है सर टू बी रेडी, बिल्कुल तैयार रहना. तो फर्स्ट मीनिंग इज़ टू बी रेडी और टू वेट समथिंग. नेक्स्ट इज़ टू सपोर्ट समवन, किसी चीज़ का सपोर्ट करना, किसी पर्सन का सपोर्ट करना. ये काफ़ी इफेक्टिव मीनिंग है, काफ़ी ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है स्टैंड बाय. जैसे सेंटेंस लिखा है, देखिए ध्यान से, आई विल स्टैंड बाय माई फ्रेंड इन दिस ट्रबल विद द पुलिस. कह रहे कि मैं अपने फ्रेंड का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसने काम किया है, जुर्म किया है या नहीं किया है, बट आई विल बी विद हिम फॉर श्योर. आई विल स्टैंड बाय माई फ्रेंड इन हिज ट्रबल विद द पुलिस. पुलिस के साथ जो उसकी ट्रबल हुई है, आई विल डेफिनेटली स्टैंड बाय विद माई फ्रेंड. स्टैंड बाय और स्टैंड विद में फ़र्क होता है. स्टैंड विद का मतलब होता है फिजिकली किसी के साथ में खड़े होना. आप फिजिकली किसी के साथ खड़े ना हों पर आप सपोर्ट में खड़े हों, तो उसका मतलब स्टैंड बाय होता है. तो जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे बिल्कुल सपोर्ट में रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी गलती क्यों ना हो, पर बाहर वालों के सामने वो हमेशा सपोर्ट करेंगे. तो स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है सर? सपोर्ट करना, सपोर्ट में रहना हमेशा, स्टैंड बाय मूड, स्टैंड बाय. नेक्स्ट इज टू कीप और मेंटेन अ डिसीजन. इसका मतलब है जब आप अपने डिसीजन पर अटल रहते हैं, आपको पता है कि आपने जो डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल ठीक है, चाहे हज़ार लोग बोल दें आप अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे, इट मीन्स यू स्टूड बाय योर डिसीज़न. आपने अपना डिसीज़न मेंटेन करके रखा. टू कीप और मेंटेन अ डिसीज़न, इट मीन्स स्टैंड बाय. तो स्टैंड बाय के इफेक्टिवली तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स आपके सामने लिखे हुए हैं. एक तो है सर टू बी रेडी, सपोर्ट में रहना, रेडी रहना हमेशा. दूसरा है सर फिज़िकली सपोर्ट करना या किसी भी रूप में सपोर्ट करना किसी भी पर्सन को, दैट इज़ स्टैंड बाय, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ स्टैंड बाय. एंड थर्ड वन इज़ टू कीप और मेंटेन अ डिसीज़न. जो डिसीज़न आपने लिया है उसे आप मेंटेन करके रखेंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे, इट मीन्स स्टैंड बाय. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट इज स्टैंड डाउन. स्टैंड डाउन का मतलब क्या है डियर एस्पिरेंट? स्टैंड डाउन का मतलब बिल्कुल अपोजिट है, टू विदड्रॉ और बैक ऑफ. इसका मतलब अपने डिसीजन से पीछे हट जाना, स्टैंड डाउन. स्टैंड बाय का एक मीनिंग क्या था? डिसीजन जो लिया है आपने, आप उसे सपोर्ट करेंगे, आप उसे नहीं हटेंगे, आप उसे मेंटेन करेंगे. और स्टैंड डाउन का मतलब होता टू विदड्रॉ और बैक ऑफ, पीछे हट जाना. इज नॉट अ गुड फेस इन द पब्लिक. सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि वो एक अच्छा फेस नहीं है पब्लिक के अंदर. पब्लिक के अंदर उसकी अच्छी छवि नहीं है या बहुत कम लोग उसे जानते हैं.
इज गोइंग टू स्टैंड डाउन दिस इलेक्शन. स्टैंड डाउन का मतलब वो अपने नॉमिनेशन को हटा लेगा, वो अपने नाम को हटा लेगा, मतलब वो विड्रॉ कर लेगा, वो इलेक्शन को फाइट नहीं करेगा. स्टैंड डाउन का मतलब विड्रॉ कर लेना होता है, पीछे हट जाना होता है या बैक ऑफ कर लेना होता है. नेक्स्ट इज द पुलिस टोल्ड द क्रिमिनल टू स्टैंड डाउन एंड सरेंडर. एक और सेंटेंस लिखा है काफ़ी अच्छा, पुलिस ने बोला आत्मसमर्पण कर दो और पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ और आत्मसमर्पण कर दो. तो पुलिस ने क्रिमिनल से कहा, तो स्टैंड डाउन, स्टैंड डाउन का यूज़ किया जाता है जब कोई पुलिस किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट लड़ रही होती है, फाइट कर रही होती है, उसे बोला जाता है स्टैंड डाउन. स्टैंड डाउन, स्टैंड डाउन का मतलब पीछे हट जाओ और सरेंडर कर दो, अपने हथियार डाल दो, स्टैंड डाउन. तो स्टैंड डाउन के दो मीनिंग हुए आपके सामने, विड्रॉ कर लेना और दूसरा सर आत्मसमर्पण कर देना. बढ़ते हैं आगे, स्टैंड फॉर. देखिए स्टैंड फॉर, जैसे मैं बोलता हूँ द USA स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये सारे एक्रोनिम्स होते हैं, एक्रोनिम्स शॉर्ट फॉर्म्स, एक्रोनिम्स इन्हें बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी नेम. तो द USA स्टैंड्स फॉर, शॉर्ट फॉर्म उसको एब्रीविएट करना है, उसको एक्सपेंड करना है, तो स्टैंड फॉर का यूज किया जाता है. टू रिप्रेजेंट और सिम्बलाइज, इसका मतलब है इस चीज़ का मतलब क्या है, ये किस चीज़ को स्टैंड फॉर करती है, इसका क्या मीनिंग निकल के आता है. तो स्टैंड फॉर का मतलब होता है एक्चुअल में मीनिंग बताना. तो स्टैंड फॉर एक तो मीनिंग हो गया, सिम्बलाइज करना, ये किस चीज़ का सिम्बल है, ये किस चीज़ का चिन्ह है. दूसरा है सर टू टॉलरेट और अलाउ. टॉलरेट करना किसी पर्सन को या अलाउ कर देना, उसे बोलते हैं स्टैंड फॉर. जैसे कि सेंटेंस लिखा है, शी विल नॉट स्टैंड फॉर फाइटिंग इन द क्लास. मान लीजिए एक टीचर है और टीचर कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि उसकी क्लास के अंदर फाइटिंग हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो. शी विल नॉट टॉलरेट फाइटिंग इन द क्लास. तो स्टैंड फॉर का मतलब होता है टॉलरेट करना, यानी कि सहन करना. बेयर, बेयर का मतलब होता है सहन करना. शी विल नॉट स्टैंड फॉर फाइटिंग इन द क्लास. शी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ फाइटिंग और क्वेरल इन द क्लास. सो क्लियर हो जाना चाहिए स्टैंड फॉर के मीनिंग क्या है सर. एक तो सिम्बलाइज करना किसी चीज़ को और दूसरा सर टॉलरेट करना. नेक्स्ट इज स्टैंड आउट. स्टैंड आउट का मतलब होता है टू बी डिस्टिंक्टिव. डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है जिसकी अलग से पहचान हो. मान लीजिए एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स में से सबकी हाइट जो है वो नॉर्मल है, 5'6", 5'5", 5'7", 5'8", पर एक स्टूडेंट की हाइट है 6'5", 6 feet 5 inches. तो यहाँ पर 6'5" का लड़का है कोई, तो वो डिस्टिंक्टिव है, उसे अलग से पहचाना जा सकता है. तो स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है सर, जिसे अलग से सेपरेट किया जा सके या पहचाना जा सके. डिस्टिंक्टिव, जिसकी अलग से कोई पहचान हो, दैट इज़ प्रोमिनेंट. मान लीजिए कोई लड़का या लड़की क्लास के अंदर बहुत अच्छा गाता है, वो डिस्टिंक्टिव है, वो बाकी सबसे अलग है गाने के मामले में, तो ही स्टैंड आउट इन द क्लास. इसका मतलब क्लास में जितने अलग और विद्यार्थी हैं उनसे बिल्कुल अलग है. स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है सर, डिस्टिंक्टिव और प्रोमिनेंट. जैसे ही सेंटेंस लिखा हुआ है, राधा स्टैंड्स आउट इन द क्लास, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. इसका मतलब है राधा दूसरी लड़कियों से अलग है. शी स्टैंड्स आउट, शी इज डिस्टिंक्टिव, शी इज़ प्रोमिनेंट इन द क्लास. वो बहुत अलग रोल प्ले करती है क्लास के अंदर एज फार एज ब्यूटी इज कंसर्न्ड. तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टैंड आउट का यूज़ उस कंटेक्स्ट में किया जाता है जब किसी पर्सन को दूसरों से अलग बताना होता है, भीड़ से अलग बताना होता है, दैट इज स्टैंड आउट. नेक्स्ट इज स्टैंड ओवर. स्टैंड ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है. स्टैंड ओवर का मतलब होता है सर सुपरवाइज करना, किसी के सर पर खड़े हो जाना. जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई काम चल रहा है, मिस्त्री हैं वो काम कर रहे हैं और आप उनके सर पर खड़े हैं कि वो काम सही से कर रहे हैं, एफिशिएंटली कर रहे हैं या नहीं. एक्चुअली सर पर खड़े होने से, बेसिकली किसी के सर पर खड़े होने से या किसी को सुपरवाइज करने से क्या एक नेगेटिव ड्रॉबैक होता है कि सामने वाला पर्सन नर्वस हो जाता है और वो अपने एफिशिएंसी इफेक्टिवली प्रोवाइड नहीं कर पाता. तो स्टैंड ओवर एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है. तो राहुल्स बॉस ऑलवेज स्टैंड ओवर हिम बिकॉज ही डजेंट ट्रस्ट हिम. वो हमेशा उसके सिर पर खड़ा रहता है क्योंकि उसे वो ट्रस्ट नहीं करता. राहुल का बॉस उसके सर पर खड़ा रहता है हमेशा क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं करता. इससे राहुल की एफिशिएंसी और ख़राब हो जाती है. तो क्लियर हो जाना चाहिए. नेक्स्ट इज स्टैंड अप. स्टैंड अप का एक फिजिकल मीनिंग है स्टैंड अप, जैसे कि खड़े हो जाओ. स्टैंड अप व्हेन द टीचर अराइव्स, तो टू कम टू अ स्टैंडिंग पोजीशन, बहुत सिंपल सी बात है, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए. नेक्स्ट इज
टू रिमेन स्ट्रांग और ड्यूरेबल, जैसे कि कार, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया है कार. कोई चीज़ आपके पास बहुत दिनों से है एंड इट इज़ स्टेबल, इट इज़ परफॉर्मिंग वेल, वो बहुत अच्छे से काम दे रही है आपको, तो इसका मतलब वो स्टैंड अप यूज़ कर सकते हैं आप उसके लिए. जैसे माई कार हैज़ स्टूड अप फॉर 20 ईयर्स, इसका मतलब मेरी कार 20 सालों से मेरे पास है. टच वुड, मेरी कार 20 सालों से मेरे पास है और ये बिल्कुल सही काम दे रही है आज भी, बिल्कुल नई जैसी है. कोई चीज़ ड्यूरेबल हो, ड्यूरेबल का मतलब होता है सर लॉन्ग लास्टिंग, जो बहुत दिनों से आपके पास है और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है, वो सही से काम भी दे रही है, उसके लिए यूज़ करते हैं स्टैंड अप. काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है स्टैंड अप. नेक्स्ट है स्टैंड अप फॉर. जब आप स्टैंड अप के साथ में फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आप एक कॉज को डिफेंड कर रहे हैं. डिफेंड का मतलब होता है सर समर्थन करना या किसी का बचाव करना, किसी कॉज को बचाव करना, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा सोसाइटी के अंदर होना चाहिए. आई स्टैंड अप फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, इसका मतलब है वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है महिला सशक्तिकरण. मैं इसका समर्थन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये समाज में होना चाहिए. तो वुमेन एम्पावरमेंट को समर्थन करना या टू डिफेंड अ कॉज, कोई चीज़ सोसाइटी में होनी चाहिए, आप उसका समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू स्टैंड अप फॉर इट, आप उसके समर्थन में हैं. पर स्टैंड अप टू बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है, टू कन्फ्रंट विदाउट फियर. जैसे द वीक चाइल्ड सम डे स्टैंड अप टू द बैड बॉयज, कह रहे हैं कि एक वील्ड जो वीक चाइल्ड था, एक कमज़ोर बच्चा था, वो एक दिन खड़ा हो गया बॉयज के सामने एंड डिडंट लेट देम बुली अगेन. बुली का मतलब होता है धमकाना, जब बुरे बॉयज उसको धमकाते थे उसको सहन नहीं किया उसने और एक दिन वो उनके सामने जाकर खड़ा हो गया. स्टैंड अप टू का मतलब क्या होता है सर, किसी का विरोध करना, प्रोटेस्ट करना कि ऐसा हम नहीं होने देंगे. और स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है डिफेंड करना, किसी चीज़ का समर्थन करना. ठीक है जी, क्लियर हो जाना चाहिए. नेक्स्ट है स्टैंड इन, इसका मतलब होता है रिप्लेस करना टेम्परेरीली. मान लीजिए कोई टीचर है, वो एब्सेंट चल रहा है कुछ दिनों से और बच्चों का लॉस ना हो जाए इसलिए दूसरे टीचर को लाया जाता है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए, पर कुछ दिनों के लिए. इसका मतलब स्टैंड इन का यूज़ किया, टू रिप्लेस समवन टेम्परेरीली. रूही विल स्टैंड इन फॉर रूपा बिकॉज रूपा इज सिक, क्योंकि रूपा सिक है इसलिए रूही इस मैच में खेलेगी रूपा की जगह. तो स्टैंड इन का मतलब हो गया सब्सिट्यूट की तरह आना, टू सब्सिट्यूट समवन. क्लियर हो जाना चाहिए. सो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक आउट दीज क्वेश्चंस और देखते हैं आपने कितना अच्छे से समझा. देखिए कंटेक्स्ट को याद रखिएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी. सो द क्वेश्चन इज द पेरेंट्स स्टूड डैश, द पेरेंट्स स्टूड डैश हिज चिल्ड्रन इन बैड टाइम्स. तो यहाँ पर हिज नहीं आएगा, देर आएगा. जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं बुरे वक्त में. तो स्टैंड के साथ क्या यूज़ किया जाए, स्टैंड के साथ बाय का यूज़ किया जाए, क्योंकि स्टैंड बाय का मतलब सपोर्ट करना होता है. तो सपोर्ट में रहना है स्टैंड बाय, और स्टैंड विद का मतलब क्या होता है, फिजिकली साथ में खड़ा होना. देर जैसे ही स्टूड विद मी इन द असेंबली, इसका मतलब असेंबली में मेरे साथ खड़ा था, ही स्टूड विद मी, तो क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट इज आर मैथमेटिक्स टीचर ऑलवेज स्टैंड डैश मी एट क्लास विच मेक्स मी अनकम्फर्टेबल. कह रहा है हमारा जो मैथमेटिक्स टीचर है वो हमेशा मेरे सर के ऊपर खड़े रहते हैं, विच मेक्स मी वेरी अनकम्फर्टेबल, जिससे मैं बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस करता हूँ. इसका मतलब मैं अपनी एफिशिएंसी पूरी नहीं दे पाता, मैं इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता, बिकॉज मैं नर्वस हो जाता हूँ, मैथमेटिक्स टीचर बिल्कुल मेरे सर के ऊपर खड़े होते हैं. तो इसका मतलब मुझे आंसर देना चाहिए सर पर खड़े होना या सुपरवाइज करना. तो सुपरवाइज करने के लिए फ्रेजल वर्ब होता है स्टैंड ओवर, स्टैंड ओवर, ऑलवेज स्टैंड ओवर. तो यहाँ पर स्टैंड के साथ एस का यूज़ करना चाहिए बिकॉज स्टैंड फर्स्ट फॉर्म है और स्टैंड के साथ एस का यूज़ करना होगा. बढ़ते हैं आगे. राहुल स्टूड डैश हिज डिसीजन नॉट टू अलाउ हिज चिल्ड्रंस गोइंग ऑन अ ट्रिप. राहुल ने अपने डिसीज़न को नहीं छोड़ा ट्रिप पर बाहर जाने के लिए, मतलब राहुल नहीं चाहता था कि उसके बच्चे ट्रिप पर बाहर जाए, तो उसने उस डिसीज़न को मेंटेन किया. तो स्टैंड के साथ क्या यूज़ करें, स्टैंड बाय. स्टैंड बाय के तीन यूसेजेस बताए थे मैंने आपको, एक सपोर्ट करना जैसा कि पिछले सेंटेंस में मैंने आपको बताया, एक होता है सर अपने डिसीज़न को अटल रहना, और तीसरा होता है सर टू बी रेडी फॉर समथिंग. स्टैंड बाय मोड में खड़े होना, इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल तैयार है. क्वेश्चन नंबर 4 सेज आई परचेज दिस बैट इन 2011. कह रहे ये बैट मैंने 2011 में ख़रीदा था एंड इट हैज़ टू डैश वेल. कह रहा तब से लेके अब तक ये बहुत सही काम दे रहा है.
तो स्टूड के साथ क्या लगाया जाए? स्टूड अप वेल. स्टूड अप वेल का मतलब होता है सर कोई चीज़ आपका पूर्ण रूप से साथ दे रही है बहुत दिनों से, ड्यूरेबल है. तो ड्यूरेबल के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? स्टैंड अप. स्टैंड अप के दो मीनिंग बताए थे, एक ड्यूरेबिलिटी बताना किसी भी चीज़ की, कि कोई चीज़ आपका बहुत दिनों से साथ दे रही है, अच्छे से चल रही है ये, और दूसरा सर फिजिकली खड़े होना. स्टैंड अप. एज ही इज़ अ टॉल पर्सन, चूंकि वो एक टॉल पर्सन ही है, ही स्टैंड डैश इन द क्राउड, इसलिए वो बिल्कुल अलग से दिखाई देता है क्राउड में. क्योंकि वो एक टॉल पर्सन है इसलिए वो अलग से दिखाई देता है. तो इस इट मीन्स ही इज़ डिस्टिंक्टिव. प्यारे दोस्तों, डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या है? डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है अलग से पहचान होना. तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप? स्टैंड आउट. आउट का मतलब अलग से दिखाई देना. सो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट इज द रीज़न वाई इंडिया अटेन्ड फ्रीडम. कह रहा है वो रीज़न क्योंकि इंडिया ने फ्रीडम को अटेन किया, हासिल किया, वो क्या था? इज़ दैट आर फ्रीडम फाइटर्स स्टूड डैश द ब्रिटिश. हमारे फ्रीडम फाइटर्स क्या रहे होंगे? ब्रिटिश के अगेंस्ट रहे होंगे ना, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट रहे होंगे. तो इसका मतलब स्टूड अप टू. स्टूड अप टू का मतलब होता है सर किसी चीज़ का विरोध करना. उन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध किया होगा, दैट्स वाई वी मस्ट यूज स्टूड अप टू. और अगर समर्थन किया होता किसी चीज़ का, मान लीजिए फ्रीडम होता, जैसा कि आप नेक्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं, आर फ्रीडम फाइटर स्टूड डैश आर फ्रीडम, उन्होंने फ्रीडम का समर्थन दिया एंड मेड इंडिया फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. तो यहाँ पर बात देखिए क्या हो रही है. पिछले सेंटेंस में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाना था और यहाँ पर फ्रीडम को क्या करना था? डिफेंड अ कॉज. फ्रीडम कॉज को क्या करना था? डिफेंड करना था. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? स्टूड अप फॉर. इधर सेंटेंस में आंसर देना स्टूड अप फॉर, और पिछले सेंटेंस के अंदर आंसर क्या देना है? स्टूड अप टू. क्लियर हो जाना चाहिए. नेक्स्ट इज राहुल विल स्टैंड डैश फॉर रोहित इन दिस मैच बिकॉज रोहित गॉट हर्ट ड्यूरिंग प्रैक्टिस. राहुल इस मैच में रोहित की जगह पर खेलेगा क्योंकि रोहित प्रैक्टिस के दौरान हर्ट हो गया, उसे चोट लग गई. तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. आपका आंसर रहेगा स्टैंड इन. और स्टैंड इन का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है सब्सिट्यूट करना, किसी पर्सन को सब्सिट्यूट करना है स्टैंड इन. तो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बढ़ते हैं आगे 9th क्वेश्चन की तरफ. आई वॉन्ट यू टू स्टैंड डैश मी इन द नीड ऑफ आर. इन द नीड ऑफ आर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सर मुसीबत में. मुसीबत में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा सपोर्ट करो, तो इसका मतलब स्टैंड बाय. आई वॉन्ट यू टू स्टैंड बाय मी. स्टैंड बाय का मतलब होता है सर सपोर्ट करना. स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है सर? सपोर्ट करना. तो इसका मतलब आपको आंसर क्या देना चाहिए यहाँ पर? स्टैंड बाय, बिकॉज द सेंटेंस इज रिलेटेड टू इन द आर ऑफ नीड. इन द नीड ऑफ आर, इन द नीड ऑफ आर का मतलब होता है सर मुसीबत में. मुसीबत में क्या करना है सर? आप, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ हो. बढ़ते हैं आगे. इज नॉट गुड एट कुकिंग. वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कुकिंग में. ही रियलाइज इट. उसने इस चीज़ को रियलाइज किया, पहचाना, एंड स्टूड डैश डिसीजन ऑफ ओपनिंग अ रेस्तरां. और अपने डिसीजन को क्या कर दिया होगा? खारिज कर दिया होगा ना. यहाँ पर सोचिए इस बात को, अगर आप इस कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं, वो कुकिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तो वो, उसने जो डिसीज़न लिया था कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँगा, उससे वो क्या करेगा? खारिज करेगा. तो स्टैंड डाउन. स्टैंड डाउन का मतलब क्या होता है सर? अपना डिसीज़न विदड्रॉ कर लेना, बैक ऑफ कर लेना, विदड्रॉ कर लेना. इट मीन्स टू स्टैंड डाउन. एक होता है स्टैंड डाउन का मतलब आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर कर देना. स्टैंड डाउन का मतलब सरेंडर कर देना भी होता है, और स्टैंड डाउन का मतलब सर अपने डिसीजन को वापस करना भी होता है. और स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है सर? अपने डिसीजन को मेंटेन करके रखना. सो डियर एस्पिरेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये सेशन. आशा करेंगे कि आप इन सेशंस का बहुत अच्छे से लाभ उठा रहे होंगे और ये आपके बहुत काम आ रहे होंगे. आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विद जतिन मदान, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. थैंक यू वेरी मच क्लास. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.